Exciting tutorial about Trello app with Node.js. So in this tutorial we will talk about how we can use Trello application or Trello account with our Node.js application to send multiple messages with multiple users, multiple calls and different things. So basically Trello is used for marketing purpose or verification purpose, push notification purpose. As you can see in my screen, that these all things the Trello can do. So yeah, let's start it. Assalamu alaikum guys. Acha, iske andar hum dekhenge Trello app kaise account create hoga, uske andar kaise hum use kar sakte hain uska free trial version, aur kaise Node.js ki application ke andar hum usko implement kar sakte hain ek SMS bhejne ke liye kisi bhi number pe. Sabse pehle to aap iske andar apna account bana le, sign up karke maine account already banaya hua hai, start free trial kar de. Uske andar kya hoga, free trial ke andar aapko jo hai wo kuch paise dega aur ek number dega jiske zariye aap मैं आपको दिखाता हूँ. ओपन करने के बाद पेज बनाया था इस तरह का. इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये कुछ डॉलर्स. ये ट्रायल वर्जन के अंदर पहले आपको $14 देता है जिसके अंदर आप मैसेज कर सकते हैं. और यहाँ पर मुझे ग्राफ बता रहा है कि मैंने किस दिन कितने मैसेज किए हैं और बता रहा होगा इनकमिंग को इनकमिंग मैसेज और आउटगोइंग मैसेज. सही है क्योंकि मैंने सिर्फ मैसेजेस के लिए करा था ये. ओके, तो इसके अंदर जो है वो आपको एक ट्रायल नंबर दे देगा, डॉलर दे देगा जितने आपको होंगे. सही है. और आपको पेड है तो फिर आपको पेड अकाउंट खरीदना पड़ेगा. दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर एक ट्रायल वर्जन के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जो भी नंबर पर जिस भी नंबर मैसेज करेंगे आपको उसको पहले डैशबोर्ड के ऊपर उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा. वेरीफाई कराने के लिए सिंपल आपके यहाँ पर थ्री डॉट्स जो है उसके ऊपर क्लिक करें. यहाँ पर जाएँ आप फ़ोन नंबर्स के अंदर, फ़ोन नंबर्स के अंदर जो है आपको ये वेरिफिकेशन कॉलर आईडी के ऊपर जाएं और इसके अंदर जो है वो आप अपने वो नंबर सारे रजिस्टर करें जैसे मैंने रजिस्टर कराया है. यहाँ से आप संपर्क नंबर रजिस्टर करना है, ऐड न्यू नंबर, इस टैक्स में स्टेट के ऊपर जाएं और इसके अंदर उसका नंबर डालें, कंट्री कोड सेलेक्ट करके नंबर डालें, टैक्स करें. टैक्स करने के बाद जो है यहाँ पर आपको कोड आएगा उसके मोबाइल पे जिसका आपने नंबर डाला है. उस कोड को आप डालें. जब एप्लीकेशन कोड आएगी कोड को आप डालें. जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ ये और टच में करता हूँ, ये पहले से इंस्टॉल है इस वजह से हुआ है. ओके, तो कोड डालें, वो आप कोड डालने के बाद यहाँ पर स्टोर होगा. जैसे मैंने ये सारी अपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है सारे फ़ोन नंबर्स. ओके, अच्छा उसके बाद जो है हम आ जाते हैं, ये तो हमने कर लिया सेटअप. उसके बाद हम आ जाते हैं Node.js के एप्लीकेशन के ऊपर. इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर API की डॉग भी है जिसके अंदर ये हमें दिखाता है कि SMS कैसे सेंड कर सकते हैं. वॉइस, AI बूट, ऑल APIs डॉग, सेंड रेट और वेरीफाई, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है. ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं. मैं फिलहाल सिर्फ SMS पे आके आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कुछ छोटा सा. ओके, तो यहाँ पर डॉक खुलने के बाद आप यहाँ पर Node.js के ऊपर क्लिक करें और Node.js के अंदर आपको ये सिंपल एक खोल के देगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल होगी, कैसे यूज़ होगा. मैं इसका एक Node.js के एप्लीकेशन को खोल के दिखा देता हूँ. हमारे पास एक Node.js की एप्लीकेशन है. यस, ये इसके अंदर मैंने जो है वो ऑलरेडी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी हुई है और इसी से देख के करी है npm install Trello. सही है. उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसका बेसिकली इसके अंदर दो चीज़ें जो है वो मैं चाहती हूँ. जैसे आप जानते हैं कि हर एप्लीकेशन जो ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन होती है या जो सेंसिटिव एप्लीकेशन के लिए APK टोकन और अकाउंट ID इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो यहाँ पर मैंने अपना क्लाइंट के नाम से मैं निकालूँगा रिक्वायर्ड ऊपर निकला. मैं आपको री राइट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम कैसे निकालने हैं, क्या चीज़ निकालना है. यह इसमें मैंने निकाला चलो. और उसके बाद ये हमसे दो चीज़ें और मांगता है. एक मांगता है कि वो जो आपका चलो अकाउंट है उसकी ज़रा आप मुझे अकाउंट SID दें जो के ऊपर है, और ऑथ टोकन दें. मैं आपको बताता हूँ ये हमें कहाँ मिलेगा. ये हमें मिलेगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर ही कि अकाउंट SID तो ये रही है हमारी. सही है, मेरी अकाउंट और टोकन जब यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. सही है, ये सीक्रेट की होती है तो इसलिए आप इस तरह से नहीं रख सकते. सही है, और ये जो है वो आप सिंपल इसके अंदर जो है वो या तो आप यहीं पे डायरेक्ट जो है वो ये करके पेस्ट कर सकते हैं या फिर जो है वो आप एक वेरिएबल में सेव करें जैसे ENV की फाइल होती है उसके अंदर सेव करें और उसके अंदर जो है आप सिक्योर कर सकते हैं इसे. ठीक है,
ये तो हमने निकाल ली यहाँ से। अब इसके बाद हमने क्लाइंट का वेरिएबल निकाल लिया है, ज़रूरी नहीं क्लाइंट वेरिएबल कुछ और भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ आसानी के लिए क्लाइंट वेरिएबल लिखा हुआ है। उसके बाद अब जहाँ से आपको मैसेज सेंड करें, फर्स्ट टाइम मेरा एक प्रोसेस था कि यूज़र आया, यूज़र ने अपना फ़ोन नंबर डाला, सही है, फ़ोन नंबर डाला, फ़ोन नंबर का क्या हुआ कि वो एक स्कीमा के अंदर गया फ़ोन नंबर और विद कोड, कोड जनरेट हो रहा सही है, एक्सपायरी डेट के साथ फ़ोन नंबर डाला, कोड जनरेट हुआ, उसने एक यूज़र स्कीमा था, विशन कोड की स्कीमा था, उसने डाला, वो उसी कोड को सेंड भी करेगा। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा लेस SMS रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एसिंक फंक्शन है क्लाइंट डॉट एक मेथड मैसेज मैसेज सही है, उसके बाद डॉट क्रिएट मैसेज को क्रिएट करो एक क्लाइंट के लिए, या मतलब जिस नंबर के लिए इसने ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट के अंदर हम देते हैं बॉडी, हमें बॉडी में क्या देना है, हमें बॉडी में सिंपल देना है कि मैंने लिखा हुआ है सिर्फ कोड लिखा हुआ वेरिफिकेशन कोड और ये ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर वो नंबर आएगा जो ट्रेलो ने आपको असाइन किया है, मेरे पास ये नंबर है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद किसको कर रहे हैं आप, जो मैं फ्रंट एंड से दे रहा हूँ, तो अभी तो मैं पोस्टमैन से लूँगा, जब हम फ्रंट एंड से दे रहे हैं बता देंगे, इसलिए मैंने जो है वो रिक्वेस्ट बुलेट डॉट फोन नंबर रखा हुआ है ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसको जो है वो सिंपल इसका रिस्पॉन्स भी हमें देखना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी एरर हैंडलिंग करने के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो लाजमी से पता है, इसको मैं जो है वो दोबारा चलाता हूँ। ओके सो मैं ट्राई करता हूँ, मैं अपनी API साइन वेरिफिकेशन के अंदर गया, यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर अपना नंबर डाला हुआ है ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा वो भी दिख रहा होगा ठीक है। तो अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर मेरा वो भी दिख रहा होगा, मैं इसको चलाया और देखते हैं ये जो है वो इसका रिस्पॉन्स आया है, मतलब कि एरर के अंदर मैसेज भी आ गया सही है, एरर के अंदर जो है वो यहाँ पर नल आता है, एरर कोड और एरर मैसेज का मैंने कंडीशन लगाई हुई है, एरर कोड अगर नल आता है तो कोड हैज बीन सेंड, जैसे कि कोड हैज बीन सेंड हो चुका है, वरना फिर कोड सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड वॉन्ट मोर ऑल्सो preparing to start a series on Python basic, more than basic, in a couple of days. Thank you. Allah Hafiz.